अपनी जिंदगी तक निछावर कर दे तुम्हारे लिए। हमसे कुछ हो नहीं पा रहा, कुछ हो नहीं पा रहा। ऐसे मत कहिए बाबूजी, आपने तो मुझे सब कुछ दिया है, बस एक काम और इनको मेरी गीत दे दीजिए और मेरी अर्थी को ऐसे सजा कर भेजिए जैसे किसी सुहागन की अर्थी को विदा करते हैं। नहीं चलो, नहीं रोइए मत बाबूजी, मुझे कोई गम नहीं, अब तो मेरी मांग में सिंदूर भी है और हाय फ्रेंड्स, मैं हूं फहीम और आज मैं आपको फिर से उस गली में, उस एरिया में लेके आया हुआ हूं जहां पर दिव्या भारती जी शादी से पहले रहती थी। दोस्तों, हमारे पीछे जो ये आप अपार्टमेंट देख रहे हो, इसका नाम है अर्चना कुटीर और जो पांचवा माला है, जो टॉप फ्लोर है उसका, उस पर रहती थी दिव्या भारती जी। दोस्तों, अभी ये फरवरी का महीना चल रहा है, फरवरी, और फरवरी के महीने में दिव्या भारती जी का जन्म हुआ था। दोस्तों, आज बहुत वक्त के बाद मैं यहाँ पर फिर से आया था। इस बिल्डिंग के अंदर वो शख्स रहते हैं जिनका नाम है कुणाल भारती। आज उनकी मम्मी भी जिंदा नहीं है, उनके पापा भी नहीं हैं और वो खुद भी इस दुनिया को छोड़ के जा चुकी हैं, लेकिन आज उनके भाई हैं इस बिल्डिंग के अंदर। मैं इससे पहले भी आया था और मैंने कोशिश की थी, जो बिल्डिंग के वॉचमैन है वो बहुत अच्छे अंकल है, उनको मैंने अपना नंबर दिया था और उस लेटर पे लिखा था वो मुझसे बात कर लें, तो उन्होंने बताया कि मैंने उनको लेटर दिया था और उन्होंने लेटर लेके अपने पास रख लिया था और कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया था। तो मैं बोला, अंकल मैं उनसे एक बार मिलना चाहता हूँ, एक बार बात करना चाहता हूँ, बाकी उनकी मर्जी है, वो मुझसे बात करें ना करें, आगे कुछ बात बढ़ाएं ना बढ़ाएं, वो एक अलग बात है, लेकिन मैं उनसे एक बार मिलना चाहता हूँ, आप उनको इन्फॉर्म कर दो कि कोई है नीचे आपसे मिलने आया है। तो वो बोले, इन्फॉर्म करके भी मतलब ही नहीं है बिकॉज़ वो अभी नहीं है मुंबई में। मैं बोला, आउट ऑफ इंडिया कि नहीं? आउट ऑफ इंडिया नहीं है लेकिन मुंबई में नहीं है, वो घर पर नहीं है। तो फिर से मैं, उन्होंने बोला कि आप बेटा फिर से एक काम करो, फिर से अपना नंबर दे दो, और मैंने अभी बुक में ऐसे अपना नंबर लिया और मैंने उसमें लिख दिया है कि सर वंस आई वॉन्ट टू मीट यू, वंस आई वॉन्ट टू टॉक टू यू। मैं यहाँ पर फिर से दो बार आ चुका हूँ लेकिन आपसे मिल नहीं चुका हूँ, प्लीज़ कॉल मी और इफ़ पॉसिबल प्लीज़ मैसेज मी। मैंने मैसेज डाल दिया है, लेकिन दोस्तों मैं भी आपको बता देता हूँ, जो मेरा दिल गवाही देता है ना, कुछ टाइम पर मैं वो बात करना चाहता हूँ, मुझे नहीं लगता मुझे उनका मैसेज आएगा, और आ जाए तो बहुत अच्छी बात है भाई। मैंने उनको दो बार ये लेटर देने की कोशिश कर दी है। दोस्तों, ये जो जगह, ये जो बातें मैं सारी आपके साथ डिस्कस करता हूँ ना, क्योंकि मैं जब भी यहाँ से गुजरता हूँ ना, तो हर चीज़ जो उनसे जुड़ी हुई रहती है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो दिखाना चाहता हूँ। दोस्तों, इनका जो डेथ हुआ था ना दिव्या भारती जी का, वो तुलसी अपार्टमेंट में हुआ था और वो तुलसी अपार्टमेंट से कूपर हॉस्पिटल में उनको लेके दिया गया था। लेकिन कूपर हॉस्पिटल में जब उनकी डेथ फाइनल कर दी गई थी और उनको फिर घर पर भेजा गया था, तो वो जो पीछे आप मेरे अर्चना कुटीर बिल्डिंग देख रहे हो, ये अर्चना कुटीर में उनकी माँ का घर था जहाँ पर उनका बचपना गुजरा था। यही बिल्डिंग में, जो पीछे आप मेरे अपार्टमेंट देख रहे हो, इसी बिल्डिंग में उनकी बॉडी को लाया गया था, यहीं पर उनका अंतिम संस्कार सारा जो भी प्रोसेस था हुआ था, फिर यहाँ से उनको विलेपार्ले क्रोमोटोरियम में लेके गया था। विलेपार्ले क्रोमोटोरियम में भी जाऊँगा मैं, वहाँ से भी उन लोग बाहर से ही भेज देते हैं भाई, पता नहीं क्यों बोलते आपको लेटर देना पड़ेगा, परमिशन देनी पड़ेगी, तो आज तो नहीं जा रहा हूँ मैं, और कोशिश करूँगा वो क्रोमोटोरियम दिखाने की और वो कोशिश करने की कि कहाँ पर दिव्या भारती जी की, वो एक बेंच भी है जहाँ पर वो उनके नाम लिखा हुआ है, दिव्या भारती जो उनके नाम से वहाँ पे वो बेंच डाली दी है, वो भी दिखाऊंगा। तो दोस्तों, आज मैं था जुहू में, मेरी तबीयत बराबर नहीं है, इस वजह से आपको आवाज़ भी बराबर नहीं आ रही होगी, बस आपको इतना ही बताना चाहता था कि दोस्तों मैंने फिर से कोशिश किया कुणाल भारती जी से मिलने की, लेकिन नहीं मिल पाया हूँ। फिर से एक बार और इंशाल्लाह कोशिश करूँगा, शायद उनसे मिल जाऊँ और उनके बारे में आपको दिखा पाऊँ। लेकिन दोस्तों चलो, ये सब तो ठीक है, जो उनसे बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो मैं आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ, लेकिन उनसे जो रिलेटेड और भी जगह है, उनकी शूटिंग लोकेशन है जहाँ पर वो बैठी हैं, वो पत्थर, वो जगह, बहुत सारी ऐसी जगह मुझे मिली है जो उनके बारे में मैं बताने वाला हूँ। दोस्तों चलिए, ये वीडियो मैं यहाँ पर फिनिश करता हूँ। जब भी इस ओर देखता हूँ ना दोस्तों, पाँचवें माले की ओर देखता हूँ, ये बिल्डिंग की ओर देखता हूँ, ये भी देख लो एक बार, ये जो बाजू में ही है, ये जुहू विले पार्ले का
यू नो स्पोर्ट्स क्लब है, वो यहाँ पर रहती थी, यहाँ से स्पोर्ट्स क्लब में जाती थी, अपने भाई से वो बहुत मोहब्बत करती थी, उनके बारे में मैंने बहुत पढ़ा है। उन्होंने अपने भाई को एक जीप भी दिला के दी थी अपने वक्त पर। जिस दिन वो उनका लास्ट दिन था, जिस दिन वो यू नो दुनिया छोड़ के जाने वाली थी दोस्तों, उस दिन भी वो अपने भाई के साथ में बैंड्रा गई थी। वो बिल्डिंग में एक फ्लैट देखने के लिए, बड़ा सा वो बिल्डिंग भी मैं आपको दिखा चुका हूँ दोस्तों। बस इतना कहना चाहूँगा कि यार सब कुछ ठीक है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है आप अपना ख्याल रखा करें, अपने घर वालों का ख्याल रखा करें, हमेशा खुश रहें, लोगों से मोहब्बत करें। नफ़रत से कुछ नहीं हो सकता, सिर्फ मोहब्बत से होगा जो होगा। क्योंकि इस बात को कभी भी ना भूलें कि एक दिन तुमको भी इस दुनिया को छोड़ के चले जाना है, हमको भी इस दुनिया को छोड़ के चले जाना है। अगर हमारे दिल में नफ़रत रहेगी तो लोग भी हमसे नफ़रत ही करेंगे, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन अगर हम ऐसे कुछ काम करके जाएंगे ना, जो कुछ अच्छे हो, किसी का बुरा ना किया हो कभी लाइफ में, तो लोग हमको याद करेंगे। और हमारी अच्छाइयों का होना ज़रूरी है दोस्तों हमारे साथ में। चलिए दोस्तों अपना ख्याल रखें, फिर मिलेंगे आपको किसी और एक नई वीडियो में, और दिखाऊंगा मैं कुछ आपको अच्छा दिव्या भारती जी के बारे में। बस आज ये वीडियो मैं यहाँ पे फिनिश करता हूँ, फिर मिलूंगा आपको किसी और वीडियो में। चलो दोस्तों अपना ख्याल रखें, लव यू गाइज, ऑल द बेस्ट फॉर एवरीथिंग, व्हाटएवर यू वांट टू अचीव इन योर लाइफ गाइज, लव यू ऑल।